अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बीटरूट हलवा। इसके लिए हम ले रहे हैं 500 ग्राम बीटरूट। अब हम इसको अच्छी तरह से इसके स्किन को पील कर लेंगे और कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए हमने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे हमने इलायची पाउडर 1 टीस्पून, ग्रेटेड बादाम काजू पिस्ता लिया है, 200 ग्राम चीनी ली है और 2 बड़े चम्मच घी लिए हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पैन को गरम कर लिया है। अब हम पहले इसमें घी डाल देंगे। घी गरम होने के बाद उसमें हम ग्रेटेड ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, काजू बादाम पिस्ता। इनको अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो गोल्डन कलर में आ चुके हैं, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ग्रेटेड बीटरूट डालकर अच्छे से भून लेंगे। इसकी रॉ स्मेल जाने तक हम इसको 5 से 6 मिनट तक चला लेंगे। उसके बाद जब तक इसकी ये सिवैयाँ हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसको चला लेंगे। जी हमारा बीटरूट जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें 200 ग्राम चीनी डाल लेंगे। अब चीनी इसमें डिजॉल्व होने तक हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। चीनी भी अच्छी तरह से डिजॉल्व हो चुकी है। अब हम इसको 5 मिनट या तो फिर 3 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक ये चीनी जो है वो पूरी तरह से अब्सॉर्ब ना हो जाए तब तक हम इसको पका लेंगे। इसके बाद इलायची पाउडर डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से पका लिए हैं। देखिए बाजुओं में ये घी छोड़ने लगा है। ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घी और ड्राई फ्रूट्स की। अब हम इसको काजू से गार्निश कर लेंगे। ये रहा हमारा सिंपल टेस्टी बीटरूट हलवा, खाने के लिए तैयार है। एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।